तो एडवांस फिल्टर की मदद से आपने देखा कि हमने इसको यूनिक रिकॉर्ड कर लिया, राइट। हमने क्या किया, इस पे गए, एडवांस पे क्लिक किया और यूनिक रिकॉर्ड किया, तो यूनिक रिकॉर्ड आ गया। लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें फिल्टर नहीं करना है, रिमूव करना है, कि जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है उस डुप्लीकेट वैल्यू को मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो आप इसको सिलेक्ट करें और आपके सामने यहां बगल में आता है, वो आता है रिमूव डुप्लीकेट। इस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। बट यहां एक ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास मोर देन वन कॉलन है, जैसे मैं यहां पे सेल्स सिटी कर देता हूं, मान लीजिए सिटी, यहां पे आप रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान से देखिएगा, रिमूव डुप्लीकेट। अब यहां पे डुप्लीकेट किया लेकिन इसे देखा कि ऑनलाइन नोएडा, तो ऑनलाइन नोएडा जो जितना बार था उतना बार को डिलीट किया, रेफरेंस दिल्ली को डिलीट किया। अब मान लीजिए कि यार रेफरेंस टाटा है तो रेफरेंस टाटा रहने दिया। तो आप किसी एक कॉलम के बिहाफ पे पूरी की पूरी रो को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिक्कत होगा। यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट आता हूं, ये पूछता है एक्सपेंड सिलेक्शन या कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट आप करेंगे एंड ओके, तो फिर आपका रो डिलीट नहीं होगा, वो सेल डिलीट करके रख देगा, फिर रो जस्ट का तैसा रहेगा। तो रिमूव डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हुए इन चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे। वीर सिंह जी, रिमूव डुप्लीकेट समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें? चलिए अब अगली टॉपिक के